हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैं समय समय पर आपके लिए नौकरी और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहता हूँ, दोस्तों आज भी मैं आपके लिए नौकरी से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2018 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2018 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है, किसी भी तरीके का हार्ड कॉपी स्वीकार्य नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा सेंटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, दीसपुर, कोलकाता, अहमदाबाद। इन केंद्रों के अलावा अन्य किसी भी केंद्र पर अगर आप किसी भी सेंटर्स पे अगर आप जो है परीक्षा के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस फॉर्म आवेदन पत्र को फिलअप कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। मैंने जिन सेंटर्स के नाम लिए उनके अलावा अन्य सेंटर्स पे संख्या फिल होने के बाद वो सेंटर्स आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे किसी भी प्रकार से। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेंटर्स पर जाकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कृपया करके आप जो है तुरंत आवेदन करें आप इस पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, दूसरी जानकारी है, दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, वो है सिग्नेचर्स और फोटो की। सिग्नेचर्स और फोटो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। फोटो 3 KB से अधिक की और 40 KB से कम की होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर जो आप स्कैन करेंगे वो 40 KB से कम की और 1 KB से अधिक की होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों 21 वर्ष से, और आप देख सकते हैं आप लिखा है 1 अगस्त 2018 को पूरे 21 वर्ष होनी चाहिए, किंतु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, अर्थात तो उसका जन्म 2 अगस्त 1988 से पहले और 1 अगस्त 1997 के बाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये रही आपके आयु से संबंधित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। आपको देख लेते हैं परीक्षा में प्रवेश, ये तो भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल की अधिनियम नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी अन्य शिक्षा संस्था अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर मान्यता किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र, प्रायोगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये हैं। महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है। मैं किसी भी वर्ग की महिला के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिए भी कोई भी शुल्क देय नहीं है। दोस्तों, आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2018 है। इसके बाद आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहूँगा, वो है पेमेंट मोड के बारे में। पेमेंट आप कैश और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कैश पेमेंट में आपको चालान भरना होगा। चालान जैसे टाइम कंज्यूमिंग तरीके से बचने से बेहतर अगर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आवेदन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें आपके समय की बचत भी होगी और आप ऑनलाइन तुरंत आवेदन भी कंप्लीट कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आवेदन करने से पहले आप इस दिए गए डॉक्यूमेंट्स को पूरी भली बात पढ़ लें,
और उसके बाद ही आवेदन करें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए शिक्षा और नौकरी से संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद दोस्तों।